राम राम जी सारे ना उपली सारे ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में बात करांगे आप बेस्ट बीए कॉलेजेस इन हरियाणा के बारे में, तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। तो आज की वीडियो इसलिए बनाई है भाई ताकि आप अपना कोई भी एक पर्टिकुलर प्लस टू के बाद कॉलेज चूज कर ले, जिसके बाद आप भाई अपने जो ग्रेजुएशन है वो बढ़िया तरीके से करने के बाद आप एक अच्छी जॉब के लिए अप्लाई कर सके। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना और वीडियो में बताएंगे कि कौन से बेस्ट कॉलेज हैं आपके लिए और इनमें कितनी सीट है और इसकी कितनी फीस है, ये चीज़ बताने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। तो सबसे पहला जो कॉलेज है वो है आपका पंडित नेकीराम शर्मा गवर्नमेंट कॉलेज। इसमें आपकी 640 सीटें हैं बीए की, ठीक है, और इसकी फीस आपकी लगभग एक साल की 4500 रुपए के आसपास है, ठीक है। उसके बाद जो आपका अगला कॉलेज है वो है आपका गवर्नमेंट कॉलेज हिसार। इसमें आपकी 720 सीटें हैं बीए की और इसकी जो फीस है एनुअल फीस उस ये है आपकी 5200 रुपये, यानी कि 5200 रुपये आपकी एनुअल फीस रहेगी। उसके बाद जो आपका तीसरा नंबर पर जो कॉलेज आता है वो है आपका आईसी कॉलेज रोहतक, ठीक है। ये कॉलेज स्पेशल गर्ल्स के लिए है और इसमें आपकी 720 सीटें हैं और इसकी एनुअल फीस 5000 रुपये के लगभग है। इसके बाद जो अगला कॉलेज आपका वो है आपका गवर्नमेंट कॉलेज जींद। इसमें आपकी 500 सीटें हैं और इसकी एनुअल फीस 5000 रुपये के लगभग है। तो अगले कॉलेज की बात करें तो वो है आपका गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज सिरसा। इसमें आपकी 1120 सीटें हैं और इसमें आपकी फीस है वो है आपकी 4800 रुपये के आसपास, ठीक है, पर ईयर की फीस रहेगी आपकी, ठीक है। उसके बाद जो आपका अगला कॉलेज आता है वो है आपका जाट कॉलेज रोहतक। इसकी जो एनुअल फीस है वो है आपकी 10000 रुपये और इसमें आपकी बीए की सीटें लगभग 900 के करीब करीब है, कन्फर्म नहीं है इसका अभी तक। तो अगले कॉलेज और फाइनल कॉलेज की बात करें तो वो है आपका केएम गवर्नमेंट कॉलेज नरवाना। इसमें आपकी बीए की 480 सीटें हैं और इसमें आपकी एनुअल फीस 5000 रुपये हैं। तो आज की वीडियो में यही कॉलेज बताने थे, तो एक आधा कॉलेज और बच गया तो उसके लिए सॉरी। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो लेकर। अगर आपको किसी और कॉलेज पर वीडियो बनवानी है तो नीचे कमेंट कर देना।